जिला मोगा के दर्जा चार कर्मचारियों की यूनियन की और पंजाब सरकार को मुलाजिमों विरोधी सरकार बताते हुए आज यूनियन की ओर से डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के बाहर पंजाब सरकार द्वारा पेश किए गए बजट की कॉपियों को जलाया गया। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं उन्होंने यह दोष लगाया कि इस बजट में सरकार ने मुलाजिमों को बेनिफिट देने की बजाय कर्मचारियों पर 200 रुपये महीने का अतिरिक्त बोझ डाल दिया है, जिसे कर्मचारी नहीं मानते। उन्होंने कहा कि हमारी पिछली बहुत सी मांगें अभी तक विचारी नहीं गई हैं। हमने मुख्यमंत्री के साथ कई बार मीटिंग करने के लिए समय मांगा, पर हमें अभी तक समय नहीं दिया गया है। साढ़े जो रोष है जो पंजाब सरकार ने मार्च 18-19 का बजट पेश किया, वो मुलाजमान कुछ नहीं दिता गया। मुलाजमान का देने की बजाय उल्टा 200 रुपये हर महीने टैक्स लाता गया। इन्होंने राजे ने आपका पुराना कानून लागू करता मुलाजमान गुलामी के राह लिया वाला, जिहड़े इन्होंने वादे किए। सरकार ने जो एक साल बनी हो गया, अज तक किसी वादे से पूरी नहीं उतरी। 6 बारी सानू टाइम दे के पंजाब सरकार ने मीटिंग करावे, इन्होंने OSD इन्होंने प्रिंसीपल सकत्तर जिन्हें भी वादे करके गए सब खोखले झूठे हुए हैं। कोई साड़ी मीटिंग अज तक नहीं सरकार ने की। असी इस सरकार का इस बजट का विरोध करते हैं। क्लास 4 यूनियन का क्लास 4 यूनियन वालों असी विरोध करते रहेंगे, विरोध किया बजट सारे।